सोमवार को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रालय का विस्तार हो गया, जिसमें कुल 36 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें विदर्भ के अनिल देशमुख, सुनील केतार, यशोमती ठाकुर, विजय वडेट्टीवार ने कैबिनेट मंत्री पद और बच्चू कड़ू ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। काटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल देशमुख द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद नागपुर स्थित उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ जमकर जल्लोष मनाया, पटाखे फोड़ कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। एनसीपी विधायक अनिल देशमुख जी के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में उनके कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जल्लोष शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैंड बाजे के साथ में जल्लोष किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। हम कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि उनका कहना क्या है। देखो किस तरह से बैंड बाजे के सर आपका क्या कहना है? मुझे आज बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि अनिल देशमुख साहब को पवार साहब ने फिर से एक भरोसा रख के बहुत बड़ा खाता कैबिनेट मंत्री बनाया है। पवार साहब के पीछे में जब हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अड़चन में था, हमारे कद्दावर नेते पक्ष छोड़ के भाग रहे थे, कोई भाजपा में जा रहा था, कोई कांग्रेस में जा रहा था, कोई शिवसेना में जा रहा था, लेकिन हमारे अनिल देशमुख साहब हमेशा पवार साहब के साथ में रहे, सुख में भी दुख में भी। आज पवार साहब की वजह से और पवार साहब ने जो जादू की काटी लकड़ी घुमाया उसकी वजह से आज हम सत्ता में है, ये पूरी वर्ष में नहीं, ऐसा मुझे कहना है। और हमारे शहर के लिए भी काफी अच्छी बात है कि मंत्री पद मिला और भी गृह मंत्री का। आदरणीय पवार साहब ने जो हमारे विदर्भ की जनता और विदर्भ के कार्यकर्ताओं को शक्ति देने का काम किया है, माननीय अनिल देशमुख साहब को मंत्री बनाकर हम बहुत आशावान, खुश और ऊर्जावान हो गए। इस तरह के जोशीले और ऊर्जावान नेता देके विदर्भ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और हम सभी शुभकामनाएं देते हैं कि विदर्भ की जनता के साथ न्याय होगा। पवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यकर्ता बहुत खुश है। आज सर्व कार्यकर्त्यांना एक आज अशी पावती मिळालेली आहे की अनिल बाबू देशमुख जे 5 वर्ष आपले सांभाळलेले आहे, सर्व कार्यकर्ते सांभाळले, जे जायचे होते त्यांनी गेले, पण आज माननीय शरद पवार साहेबांनी यांच्या कामाची पावती दिली आणि अति महत्त्वाचं खातं अनिल बाबूंना दिलेलं आहे। सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, पूर्ण काकोळ तालुक्यामध्ये आज सर जास्तीत जास्त शेतकरी इतका सुखावलेला आहे की आमच्या हक्काचा माणूस म्हणून अनिल बाबू देशमुख आणि त्यांना मंत्रिपद दिलं, त्यांना सर्वांना धन्यवाद देतो, प्रामुख्याने त्यांची मान हे करतो, त्यांचे धन्यवाद मानतो आणि सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये एक 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 असून आज पुढच्या दृष्टीने सुद्धा आज विदर्भ राज्य जर वेगळं झालं तर अनिल बाबू हे विदर्भाचे पहिले मुख्यमंत्री होणार आहे हे निश्चित। एक तरह से देखा जाए तो नागपुर शहर के लिए साथ ही विदर्भ के लिए भी काफी अच्छी बात है कि अनिल देशमुख सर को मंत्री पद मिला है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ में एकता गहरवार, इनबीसी न्यूज नागपुर।